नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला महाराष्ट्र इंडिया में है। पिछली वीडियो में मैंने स्ट्रेस और एंग्जाइटी से कौन सी शारीरिक बीमारियाँ होती है वो बताया था। आज मैं वही कंटिन्यू करने वाला हूँ और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। मैंने ये बताया, जो मैंने लास्ट वीडियो खत्म किया वो ये बताया कि डायबिटीज मलाइटस यानी शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी भी स्ट्रेस रिलेटेड है। अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस कम रखते हैं, तो हमारा डायबिटीज और शुगर कंट्रोल में आ सकता है। इसी के साथ साथ मेनोपॉजल या पेरी मेनोपॉजल जो सिम्टम्स है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त चिड़चिड़पना होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पूरा बदन दर्द करना, चेहरा लाल हो जाना, ये भी सिम्टम्स जो है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड है। बहुत सारे लेडीज है हमें कंप्लेन करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद हमें डिप्रेशन महसूस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप ये ढूंढो कि आपके दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपने छुपाई हुई है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड है। इतना ही नहीं, मैं अभी आगे का स्टेटमेंट बताने वाला हूं जो बहुत ही धक्कादायक है कि कैंसर भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड है। बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी कैंसर, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंसर है जिनका जो ग्रेड है, जो स्टेजिंग है, जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है, वो कम हो सकता है अगर हम टेंशन नहीं ले, अगर हम स्ट्रेस नहीं ले और अगर हम रिलैक्स रहे। तो बीच में हाल ही में प्रिंट मीडिया में इरफान खान, जिनको एंडोक्राइन ट्यूमर है, उनके हंसते हुए जो पिक्स है वो प्रिंट मीडिया ने पोस्ट किए थे। उनका ये कहना था कि मुझे कैंसर है, फिर भी मैं हंस रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और स्ट्रेस फ्री हूँ। अगर आप ये देखेंगे कि फॉरेन में भी अलग अलग जो साइकियाट्रिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो ये बताते हैं कि अगर आपको कैंसर है, कोई भी मैलिग्नेंसी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहो, लाफ्टर थेरेपी करो, स्ट्रेस फ्री रहो, रिलैक्स रहो, एंग्जाइटी कम करो और डिप्रेशन कम करो। अगर आप ये चीजों से, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, तो आपका कैंसर पूरी तरह अच्छा हो सकता है। और अगर पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ, फिर भी उसका जो मैलिग्नेंसी का स्टेज है, लेवल है, वो धीरे धीरे कम हो सकता है। तो ये सब बीमारियां, शारीरिक बीमारियां स्ट्रेस और एंग्जाइटी से होती है। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी ले लेते हैं, तो अपना जो बॉडी है वो डिफेक्टिव फंक्शनिंग करने लगता है और अपनी बॉडी, ब्रेन के साथ साथ पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और फिर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, जो फिजियोलॉजी है, वो अल्टर होने लगता है, खराब होने लगता है। और उसी के वजह से अलग अलग प्रकार की शारीरिक बीमारियां, जैसे पेट की बीमारी, स्किन की बीमारी, कैंसर, ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती है। अगर इसके अपोजिट देखते हैं, अगर हम स्ट्रेस ना ले, एंग्जाइटी ना ले, तो जो सेल का मेटाबॉलिज्म है, जो फिजियोलॉजी है, वो नॉर्मल रहेगी, इंटैक्ट रहेगी और सेल डैमेज नहीं होगा। और यदि सेल डैमेज नहीं होगा, तो जो सेल की फिजियोलॉजी है वो अच्छी रहेगी और हमको कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता। कितने भी इन्वेस्टिगेशंस आप करो, कितने भी डॉक्टर के पास आप जाओ, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी अगर आपका टेंशन, डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। तो होता क्या है, ये टू वे ट्रैफिक है। टेंशन के कारण शारीरिक बीमारियां होती है और अगर शारीरिक बीमारी हुई तो फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियाज, ऐसे लगने लगता है कि मैं मर जाऊं, जान देना बेहतर है, नींद ना आना, हर चीज में प्रॉब्लम होना, मैराइटल प्रॉब्लम्स होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, शराब की लत लगना, सिगरेट की लत लगना, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और एक्सपर्ट से सलाह लो और उसकी ट्रीटमेंट लो। मेरा ये दावा है ऑन कैमरा कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, लेकिन 70-75% तक आपके सिम्टम्स कंट्रोल में लाए जा सकते हैं और कंट्रोल हो सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स का है और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो हमारे पास आए जिनको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स थे, उनको हमने अच्छा किया है। बेसिकली हम अच्छा कैसे करते हैं, नंबर 1, काउंसिलिंग करना, सम्मोहन करना, हिप्नोसिस करना। जब हम काउंसिलिंग करते हैं, तो पेशेंट के अंदर हम झांक के देखते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, काउंसिलिंग में आता है पॉजिटिव टॉक और इतर ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो हम सिखाते हैं पेशेंट को, और उससे पेशेंट का जो सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है,
वो पूरी तरह बदल जाता है। तीसरी और आखिरी चीज है मेडिसिंस। ऐसे अनगिनत मेडिसिंस है जो हमारे ब्रेन पे, हमारे जो लेवल ऑफ एंजाइटी है उस पे काम करते हैं, और उससे हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कम हो सकता है, और जो हमारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। मेरा ये वादा है, अगर आप ये वीडियो खुद सुनते हैं, देखते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को आप साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, तो उनकी 75% बीमारी पूरी तरह नहीं ठीक हुई, फिर भी 75% बीमारी ठीक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं धन्यवाद बोलूंगा।